है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कुछ काम था? आपके अब्बू घर पर है क्या? अब्बू भी बाहर गए हैं। अच्छा, आप कौन? हम उनके दोस्त हैं। आइए आप इधर आके बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ वालेकुम अस्सलाम अंकल। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा आप क्या कर रहे हो? अंकल मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। आपके छोटे भाई का नाम क्या है? आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। अंकल पानी लीजिए। अंकल नाश्ता ले। अंकल नाश्ता ले आओ। अभी अभी नाश्ता करके आए हैं बेटा। अंकल थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। और बेटा और कुछ बताओ अपने बारे में। कुछ नहीं अंकल, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। अंकल नाश्ता लीजिए। बेटा नाश्ता तो बहुत अच्छा है, तुम भी ले लो बेटा नाश्ता। अंकल मैं किसी का झूठा खाना नहीं खाता, आप खाइए। सुफियान इसे कूड़ेदान में फेंक कर मेरे लिए दूसरा नाश्ता ले आओ। ठीक है बेटा अब हम चलते हैं, आपके अबू नहीं आए। टिंग टोंग। सुफियान देख दरवाजे पर कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप लोगों का कैसे आना हुआ? हमें आपसे काम था, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है तो कंपनी को कुछ नियम है, आप ये फॉर्म पढ़ कर उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। जी शुक्रिया, मैं पढ़कर सिग्नेचर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं। रुक जाओ दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो कर लो। जी शुक्रिया, आपके छोटे बेटे ने हमारे अच्छे से खातिरदारी की। और बड़े बेटे ने? उसने तो हमसे ठीक तरह से बात भी नहीं की। उसकी ओर से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अच्छा ठीक है अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सुफियान इधर आओ। जी अब्बू। मेरे दोस्त ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, तुमने उन्हें नाश्ता कराया, पानी दिया, बैठने के लिए कहा, सलाम किया, वो तुमसे बहुत खुश थे, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया अब्बू। और तुम्हारा बड़ा भाई किधर है, उसे बुला कर लाओ। भाई आपको अब्बू बुला रहे हैं। तुम जाओ मुझे नहीं आना। भाई बोल रहे हैं मुझे नहीं आना। अब्दुल्ला इधर आओ। तुमने अंकल जी से बदतमीजी की? नहीं अबू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। नहीं अबू मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब्दुल्ला। अबू मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए अब्बू। पढ़ाई के साथ साथ हमें तमीज भी सीखनी चाहिए, हमारे घर में मेहमान आना भी खुशी की बात है।
अब्बू मैं अगली बार से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सुफियान तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी है, अगली बार से मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा साथ दोगे ना? जरूर भाई।